पता है मैं लेट हूँ, अभी तक तो मैक्सिमम लोगों ने भूलभुलैया 3 देख भी ली होगी। हाँ, बेकार मूवी है, कोई सेंस नहीं बनाती, कोई भी कैरेक्टर, स्टोरी, एंडिंग कुछ भी जस्टिस नहीं कर पाता। आखिर में थोड़ी बहुत इमोशन डाल के आप पूरे 2 घंटे की बर्बादी को भुला नहीं सकते। छोटी मुंह बड़ी बात, इस मूवी को भूलभुलैया की फ्रेंचाइज में नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई अलग बकलोली वाला फ्रेंचाइज हो तो उसमें डाल दो। रियल भूलभुलैया के साथ इसकी कोई तुलना नहीं। एंड ये खुद इस मूवी के डायरेक्टर ने भी कंफर्म किया है, अक्षय कुमार वाला भूलभुलैया वो क्लासिक है, वो एक कल्ट मूवी है। हम लोगों ने ये सोच के मूवी नहीं बनाई कि लोग इसे पहले पार्ट के साथ कम्पीट करे, बल्कि हम उसी जॉनरा में कुछ अलग करना चाहते थे, तो हमने हॉरर पे ज्यादा फोकस किया। बट इन सभी बातों का कोई भी मतलब नहीं रहता जब आपकी मूवी ही इतनी जबरदस्त हो। सिर्फ नाम एंड कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर उठाने से, सेम गाने को रिक्रिएट करने से आप उस क्लासिक मूवी के छत्रछाया में भी नहीं आते। देखो, मैं कोई क्रिटिक नहीं, बट एज ए व्यूअर मुझे जो जो चीजें अच्छी नहीं लगी, आज मैं उसी टॉपिक को लेकर बात करूंगा। सो ध्यान से सुनना। मूवी की स्टोरी। 2.5 घंटे की मूवी में पूरे 2 घंटे मंजुलिका को ढूंढने में चली जाती है। इसी बीच क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, ये हो सकता है एक्टर्स को भी नहीं पता होगा। बेसिक स्टोरी, एक मंजुलिका है जो भूत है एंड उससे हवेली को बचाना है। लेकिन कंफ्यूजन वहां आता है कि मंजुलिका आखिर है कौन। यही सवाल को लेकर पूरे 2 घंटे मूवी तुम्हें बोर करती है। एंड इस बार तो हमें ज्यादा थ्रिल देने के लिए 2 मंजुलिका को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे हम लोग सच में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन 2 मंजुलिका हो या 4, अगर स्टोरी अच्छी नहीं होगी, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे अब कुछ भी दिखाओगे तो मूवी ऐसी ही बनेगी। हॉरर कॉमेडी के नाम पे सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी देखने मिला है। सोशल मीडिया के मीम्स को यूज किया गया है एज ए मेन सोर्स। भाई, लोग इससे नहीं हंसने वाले। बीच बीच में जो जंप स्केयर थे वो भी उतने स्केरी नहीं थे। डायरेक्टर ने हॉरर दिखाने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम नहीं करती। पूरी की पूरी मूवी क्लाइमैक्स को सेटअप करने में चली जाती है, लेकिन इसके लिए स्टोरी को इतना स्ट्रेच करना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो इस बार कहानी में सब नए कैरेक्टर्स हैं, पिछली मूवीज के साथ इनकी कोई कनेक्शन नहीं, तो उन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी अच्छे से लिखना चाहिए था। कैरेक्टर डेवलपमेंट मूवी के अंदर 0। हम किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते। मंजुलिका एंड अंजुलिका की स्टोरी को छोड़ के किसी भी कैरेक्टर की कोई बैक स्टोरी नहीं है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है जिससे तुम्हें वो कैरेक्टर बाद में याद रहे। छोटे पंडित, बड़े पंडित, राजा साहेब, ये सारे कैरेक्टर वेस्ट। भूलभुलैया पार्ट 1 में छोटे पंडित की कहानी तुम्हें कितना याद है, उसके कंपैरिजन में अगर बाकी मूवीज की बात करें तो उनमें छोटा पंडित का कैरेक्टर कितना इम्पैक्टफुल था, यही बात है। प्रिंस देवेंद्रनाथ की कहानी को छोड़ के बाकी कैरेक्टर्स बस आए और गए। तुम सोचो अंजुलिका का कैरेक्टर क्या था, माधुरी मैम जस्ट विद्या बालन के पीछे गायब हो गई। मुझे तो लगा था उन्हें सिर्फ आमिजे तुम्हारे गाने के लिए साइन किया गया है। फनी मोमेंट्स जो इन रियलिटी में तभी फनी लगते हैं जब वो मीम पेज में दिखते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी सिर्फ मुझे टिल्लू के कैरेक्टर के साथ दिखा, उसका वो जो सडन हार्ट अटैक्स वाले सीन थे वो सिचुएशन के साथ परफेक्टली मैच खा गया। बाकी सभी का काम स्लैपस्टिक वाला फील होता है। कार्तिक आर्यन की कॉमेडी तुम अगर नोटिस भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, कहीं कहीं पर तो बहुत ही क्रिंज हो जाता है। स्क्रीन प्ले भी उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, सिर्फ जब जब मंजुलिका की स्टोरी सामने आती है तभी कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग बनती है, वो भी बस कुछ ही पल के लिए, फिर से वो जो एक्साइटमेंट है वो ड्रॉप हो जाता है। एंड मूवी में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हर 20 से 15 मिनट के बाद मंजुलिका की स्टोरी को घुसाया गया है। सिर्फ एंडिंग ही है जिसने मूवी को पूरी तरीके से डूबने नहीं दिया। देवेंद्रनाथ की कहानी इमोशनल था, देखने में इंटरेस्टिंग था, एक गुड वे में इसे एंड किया गया, हैप्पी एंडिंग। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में ये सवाल आता है कि इतना सब कुछ तो फिर किस लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए? अगर सिर्फ यही दिखाना होता तो मूवी को और भी छोटे में खत्म किया जा सकता था। बट जो भी हो, मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई। तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 20 लाइक का, बस 20 लाइक्स कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ठंडा रहा।